हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन, उनके केमिकल नेम्स और उनकी कमी से होने वाली डिजीजेस के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने विटामिन और उनके केमिकल नेम्स कई बार याद किए होंगे लेकिन बार बार भूल जाते होंगे, तो दोस्तों उसी का सोल्यूशन लेके आज मैं आया हूँ। दोस्तों आज हम इनको निमोनिक मेथड से याद करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इनको रिलेट करके याद करेंगे ताकि दोबारा ना भूलें। तो दोस्तों आज के बाद इसको आप बिल्कुल उसी तरह नहीं भूलेंगे जिस तरीके से आर्मी अपना बैकअप, एक लड़का अपना ब्रेकअप, एक लड़की अपना मेकअप कभी नहीं भूलती। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोगों के 13 विटामिन होते हैं टोटल, जिसमें से कुछ होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन, कुछ होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। इनमें से देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन। और विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन। यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हम लोगों के शरीर के अंदर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर्ड रहते हैं फैट टिश्यूज में और लीवर में। लेकिन जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं ये जैसे हम इनको इंटेक करते हैं ये कुछ समय के लिए रहते हैं और उसके बाद में यूरिन के द्वारा निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आइए देखते हैं कि इनके केमिकल नेम्स को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहला विटामिन कौन सा है अपना, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ए से क्या हो सकता है आंख, आंख में क्या होता है रेटिना, तो ये क्या हो गया ए से, विटामिन ए से क्या हो गया रेटिनॉल। इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी होती हैं, रतौंधी, ज़ेरोथैल्मिया। ज़ेरोथैल्मिया में क्या होता है, हम लोगों की आंखें जो होती है काफी ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से टोटल ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्या है अपना B1, विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या होता है, थायमिन। देखिए थायमिन को कैसे याद करें, देखिए बी से क्या हो सकता है बाबू, यानी कि एक नायिका अपने नायक के लिए क्या कहती है, बाबू ने थाना थाया, थाया से क्या हो गया थायमिन। तो इसका कमी से डिजीजेस कौन सी हो सकती है, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्या है अपना विटामिन B2, B2 का केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, B2 से क्या हो सकता है बिट्टू, यानी कि छोटी बच्ची जो होती है उसको बिट्टू बोला जाता है। तो उसने आपको प्ले में विन होने के लिए राय दी, यानी कि राइबोफ्लेविन, तो क्या हो गया राइबोफ्लेविन। तो इसका हो गया B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी हो सकती है, त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना। नेक्स्ट क्या है अपना विटामिन B3, B3 का केमिकल नेम क्या होता है, निकोटिनेमाइड या नियोसिन। अब देखिए निकोटिनेमाइड को कैसे याद करें, बी से क्या हो सकता है बंदर, अब थ्री से गांधी जी के 3 बंदर। तो निकोटिन एक ड्रग होती है जो कि हम लोगों के शरीर के लिए काफी हानिकारक होती है, तो बंदरों ने क्या किया है निकोटिन का सेवन किया है तो माइंड यानी कि उनका मेंटल बैलेंस जो है बिगड़ गया, तो हो गया निकोटिनेमाइड या नियोसिन। इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी हो सकती है, पेलाग्रा या फोर्डी सिंड्रोम। तो नेक्स्ट विटामिन अपना कौन सा है, B5। B5 का केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। अब देखिए B5 को हम कैसे याद करेंगे, यानी पेंटोथेनिक एसिड को कैसे, 5 से क्या हो सकता है पेंटागॉन, यानी कि पंचभुज, पेंटागॉन, पेंटागॉन। अब पेंटागॉन और पेंटोथेनिक दोनों लिंक हो रहे हैं आपस में, अब B5 है इसलिए तो पेंटागॉन हो गया, इसका केमिकल नेम हो गया पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से डिजीजे कौन सी हो सकती है, बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि होना। नेक्स्ट क्या है B6, B6 का केमिकल नेम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, यानी क्लास 6 के बी सेक्शन में आपने एक बुक पाई उसको रीड किया और उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई थी उसके मुताबिक आपने एक्शन किया, तो क्या हो गया पायरिडॉक्सिन। B6 का केमिकल नेम क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी हो सकती है, एनीमिया, त्वचा रोग। नेक्स्ट क्या है B7, B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। तो देखिए B7 को हम कैसे याद कर सकते हैं, बी से क्या हो सकता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में कितने लेटर्स हैं, देखिए यहां 7 लेटर्स हैं, 7 अल्फाबेट्स हैं, तो क्या हो गया B7। अब बायो टीन और बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोटीन दोनों राइम कर रहे हैं, बायोटीन बायोलॉजी,
तो ये हो गया इसका केमिकल नेम बायोटी। B7 का बायोटी, इसकी कमी से डिजीजेस कौन से हो सकती है, लकवा या बालों का गिरना। नेक्स्ट क्या है, B11, B11 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। अब देखिए B11 को कैसे याद करेंगे, B1 में हमने क्या माना था, बाबू, तो B11 में भी क्या हो गया, बाबू। बाबू क्या है, फल को लिक करके खा रहा है, यानी फॉलिक एसिड हो गया। तो इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी हो सकती है, एनीमिया और पेचिश। नेक्स्ट विटामिन अपना कौन सा है, B12, B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। अब देखिए जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो बाल क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो जैसे जैसे आदमी सयाना होता है बाल क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। तो क्या हो गया, साइनोकोबालामिन, यानी किसको हम ऐसे याद करेंगे, साइनोकोबाल जो होते हैं मिनिमाइज होने लगते हैं, तो साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी हो सकती हैं, एनीमिया, पीलिया। नेक्स्ट क्या है अपना, विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए इसको कैसे याद करते हैं, सी से क्या होता है, सेंट्रो, यानी कि आपके पास एक सेंट्रो कार थी जो कि एसी कार थी, वो बिक गई, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एसी कार थी आपकी वो बिक गई, तो हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से देखिए डिजीजेस कौन सी हो सकती हैं, स्कर्बी या मसूड़ों का फूलना। नेक्स्ट विटामिन अपना कौन सा है, विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। अब देखिए कैल्सीफेरॉल को कैसे है, विटामिन डी, डी से क्या हो सकता है, डॉग, यानी कि आपके पास एक डॉग है जिसको कल से फीवर है, तो क्या हो गया कैल्सीफेरॉल। क्या है उसको, कल से फीवर है, तो क्या हो गया कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम होगा कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी हो सकती है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। जब बच्चों में होती है ये बीमारी तो उसको रिकेट्स बोला जाता है, जब एडल्ट्स में होती है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। देखिए इसको टोकोफेरॉल को कैसे याद कर सकते हैं, विटामिन ई यानी ई से क्या हो सकता है, एनेमी, एनेमी को आप क्या करते हैं, टोको फिर आगे बढ़ो, यानी ठोकते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, जो दबंग लोग होते हैं। विटामिन ई से क्या हो गया, एनेमी, और टोको फेरॉल यानी ठोको फिर आगे बढ़ो। तो इसकी कमी से डिजीजेस कौन से हो सकती हैं, जनन शक्ति का कम होना। नेक्स्ट अपना कौन सा है, विटामिन के, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, फिलोक्विनोन, यानी फिलो नोन, यानी फिजिक्स लीजिए, फिजिक्स लो और क्वेरीज को नन करो। क्या हो गया, विटामिन के से फिलो किम नोन, यानी फिजिक्स लो और क्वेरीज को नन करो, तो ये हो गया फिलो किम नोन। इसकी कमी से डिजीजेस कौन सी हो जाती है, रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि विटामिन के की अगर डिफिशियंसी होगी आपके शरीर में तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो अब आइए हम आगे देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों हम लोगों के ब्लड में मुख्यतः दो चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसेल। प्लाज्मा होता है 60% और कॉर्पसेल पाए जाते हैं 40%, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का केमिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। और जो प्लाज्मा होता है इसमें दो प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा रोल किसका होता है, विटामिन के का। और ये प्रोटीन भी उसमें हेल्प करते हैं, पहला क्या होता है, फाइब्रिनोजिन, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं कि
ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि आपकी प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स प्लस एयर यानी कि जब आपके प्लेटलेट से कहीं इंजरी हो जाती है और ब्लड फ्लो होने लगता है तो जो जैसे थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स आपकी एयर के कांटेक्ट में आती हैं, प्लेटलेट्स आपकी जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है मिलके थ्रोम्बिन बना लेते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन जो दूसरा प्रोटीन होता है मिलके क्या बना लेते हैं, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होती है, जाली जैसी होती है इन लोगों के शरीर में, जो जैसे ही ब्लड फ्लो होता है तो ये जाली जैसी बन जाती है, उसी में आके कॉर्पसल्स वगैरह फंसती जाती है। फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि 5-7 मिनट बाद वहां पे पपड़ी जैसी जम जाती है और ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो फाइब्रिन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फाइब्रिन प्लस कॉर्पसल्स यानी कि WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ये क्या बना लेते हैं, ब्लड क्लॉट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेती है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मिलकर क्या बना लेते हैं, फाइब्रिन। नेक्स्ट सिस्टम में फाइब्रिन प्लस कॉर्पसल्स मिलकर ब्लड क्लॉट कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। ये था अपना केमिकल नेम्स और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।